आज दादी मनोहर इंदिरा जी जो कि ज्ञान सरोवर के संचालिका रहे, वो मम्मा के बारे में सुनाते हुए कहती हैं कि मेरा ऐसा सौभाग्य था कि बाबा का घर भी मेरे घर के पास था और मम्मा का घर भी मेरे घर के पास ही था। लौकिक में भी बाबा के घर में हमारा जाना आना होता था। जब पहली बार मम्मा सत्संग में आई तो उन्होंने बाबा को देखा और बाबा ने उनको देखा तो क्या अनुभव हुआ होगा। मम्मा को लगा कि यही मेरा सच्चा अलौकिक पिता है। बाबा को भी लगा कि यही मेरी वारिस बच्ची है, यही मेरे स्थूल और सूक्ष्म खजाने की मालिक बच्ची है। उस दिन से मम्मा ज्ञान में आगे बढ़ने लगी। मम्मा का रूप भी बदलने लगा, आचार विचार बदलने लगे, वेशभूषा भी बदल गई, ज्ञान में गहराई तथा योग में रुचि बढ़ने लगी। मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी। अलौकिक में किसी में कोई कला होती है तो वो कला अलौकिक में आते ही वृद्धि को पाती है और वह उस व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मम्मा हारमोनियम के साथ भी और सितार के ऊपर भी बहुत अच्छा गीत गाती थी। एक बार मम्मा ने खुद अपने अनुभव का एक गीत बनाया और गाया, इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि सुनने वाले बहुत खुश हुए। वो गीत मम्मा ने सिंधी में लिखा था जिसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। हे सखियो, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का मैं भी कैसे वर्णन करूं। वहां ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिट्ठे का अंत हो गया। उसके बाद बाबा रोज एक गीत बनाकर देते थे और मम्मा तर्ज निकालकर सत्संग में गाया करती थी। गीता ज्ञान और मम्मा के गीत गाने की मधुरता से आकर्षित होकर दिन प्रतिदिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। उनमें माताएं और कन्याएं ज्यादा संख्या में थी। उसी समय दिव्य दृष्टि दाता बाबा ने दिव्य दृष्टि का भंडार भी खोल दिया। ओम की ध्वनि सुनते ही कई माताएं और कन्याएं ध्यान में चली जाती थी। वह ध्यान में अनेक प्रकार के दिव्य दृश्य देखती थी। माताओं को स्वर्ग तथा श्री कृष्ण के साथ खेल पाल करने के साक्षात्कार होते थे। आंखें बंद है मगर वह श्री कृष्ण को देख रही हैं। श्री कृष्ण जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे जा रही हैं। बाबा को पता लगा कि ये माताएं मेरे में श्री कृष्ण को देख रही हैं और मुझे पकड़ने आ रही हैं। तो बाबा सीढ़ी चढ़कर ऊपर के कमरे में जाने लगे। ये माताएं अपनी आंखें बंद होने पर भी बाबा के पीछे अर्थात श्री कृष्ण के पीछे सीढ़ियां चढ़कर जा रही थी, दौड़ रही थी। यह बात फैल गई कि दादा लेखराज के सत्संग में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। बहुत से लोग आने लगे और सत्संग बढ़ता गया। जैसे जैसे सत्संग बड़ा होता गया वैसे वैसे मम्मा की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। वह सत्संग में ओम की ध्वनि लगाती थी तो बाबा ने उनका नाम ओम राधे रख दिया। जब कोई भी किसी माता अथवा कन्या से पूछता था कि तुम कहाँ जा रही हो तो वह कहते थे कि ओम राधे के पास। क्यों जा रही हो तो कहती थी कि वो हमें ओम की ध्वनि लगाना सिखाते हैं और उसका अर्थ समझाकर उसमें एकाग्र होना सिखाते हैं, इसीलिए हम लोग ओम राधे के पास जाते हैं। अपना बंगला और सत्संग की सारी जिम्मेदारियां बाबा ओम राधे को सौंप कर अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए। मम्मा जब भी सत्संग में आती थी तो सत्संग करने के बाद वहाँ कुछ ना कुछ सेवा करके अपने लोग के घर चली जाती थी।
लेकिन ना कभी प्रसाद खाती थी ना भोजन करती थी। मम्मा सोचती थी कि इससे कर्म का हिसाब बनता है। हम सेवा नहीं करते अथवा कम करते हैं और यज्ञ का भोजन अथवा प्रसाद खाते हैं तो उसका बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है। हमारा काम है सेवा करना, ना कि सत्संग में आकर खाते पीते रहना। जब यह बाबा को पता पड़ा कि मम्मा ओम मंडली में कुछ खाती पीती नहीं है, तो बाबा ने कश्मीर से मम्मा को पत्र लिखा, बच्ची तुम्हारा वहाँ रहना ही बहुत बड़ी सेवा है। तुम्हारे वहाँ रहने से बहुतों की सेवा होगी। तुमको वही रहना है और वही खाना पीना है। तब से बाबा की आज्ञा के अनुसार मम्मा ने खाना पीना शुरू किया। नहीं तो मम्मा सुबह आती थी, सत्संग कराकर तथा सेवा कर दिन में अपने घर चले जाती थी। इसी प्रकार शाम को आकर फिर रात को चले जाती थी। जब से मम्मा ने यज्ञ में रहना आरंभ किया, तब से मम्मा ने अपने में बहुत परिवर्तन किया।